जल्दी उठो चलो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हैंड फ्री। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हैंड फ्री। करो वो करो ये मत करो वो करो, गुड मॉर्निंग सुबह की ताजा हवा। गुड मॉर्निंग रंग बिरंगी प्यारी तितली। हेनरी तुम बहुत सो लिए, अब उठो। पर आज तो संडे है, भूल गई क्या आज स्कूल नहीं है? तो आज के दिन हम और कितनी मजेदार चीजें कर सकते हैं, जैसे साफ सफाई, कपड़ों की धुलाई, और हाँ वॉक पर भी तो जा सकते हैं। और सबसे बड़ा काम अपने बिस्तर पर से बाहर निकलना। नहीं। मॉर्निंग हेनरी। दूध दो। मुझे थोड़ा और दूध मिलेगा प्लीज। मैंने भी वो ही बोला ना। जाओ दरवाजे पर चेक करो। हेलो, तूने अभी हेलो कहा? इस बच्चे का ध्यान रखना प्लीज, इसका नाम है। उफ कितनी घटिया हैंडराइटिंग है। तो चल अंदर आजा छोटी बिल्ली। प्लीज डैडी इसे रख लेते हैं, प्लीज प्लीज। अब और कोई चारा भी तो नहीं हमारे पास। यस, चल कल्लू राम तुझे अपना किला दिखाता हूँ। पर मैं ब्लैकी को अपना बेडरूम दिखाना चाहता हूँ। इसका नाम कल्लू राम है। नहीं, इसका नाम ब्लैकी है। कल्लू राम, ब्लैकी, कल्लू राम, ब्लैकी। अच्छा बच्चों, नाम में क्या रखा है? चलो एक काम करते हैं, क्यों ना इस पर वोट किया जाए। क्या, क्या वोट? हाँ, और जिस नाम को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। चलो देखते हैं किसे ज्यादा वोट मिले हैं। पीटर तुम्हें मिले हैं 6, 7, 8 सिग्नेचर्स। अरे वाह पीटर। ओ तुम तो कितनी प्यारी हो ब्लैकी। हेनरी तुम्हें मिले हैं 35, 36, 37 सिग्नेचर्स। मैं जीत गया कल्लू राम। हेनरी। हाँ डैडी। ये सिग्नेचर किसका है? शाहरुख खान। और ये वाला? सलमान खान। हेनरी। हाँ डैड। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे एरिया में टहलने आए थे? हेनरी तुमने चीटिंग की। ये चीटिंग नहीं है, ये बस समझदारी है, समझे? हेनरी ऐसे काम नहीं हो सकता, हर वोट का मतलब होना चाहिए, इसका मतलब हर एक वोट असली होना चाहिए। चलो ब्लैकी। चीटिंग नहीं हेनरी, अब जाओ और अपना होमवर्क करो, वो भी बिना चीटिंग के। मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्या आपको कोई जरूरी फैसला लेना है तो क्यों ना हमारी ज्ञानी आंटी से पूछ लिया जाए, वो आपके उलझने चुटकी में सुलझा देगी। तुरंत कॉल कीजिए हमारे हॉटलाइन नंबर पे। आइडिया फटे। मैं ज्ञानी आंटी से पूछूंगा। क्या बताओ, इस साल आपके लिए मेरे पास है एक शौक की कहानी। अब और कितना टाइम लगेगा? चुपचाप सुनिए ना प्लीज। अब मिलते हैं हमारे अगले कॉलर से। मैं बस अभी आया। हा? हमारे पहले कॉलर है उलझन सिंह जी। हेलो उलझन सिंह जी, बोलिए क्या परेशानी आपकी? हेलो। तो बताइए आपका क्या सवाल है मिस्टर उलझन सिंह जी? अच्छा, मेरी बिल्ली की बात करनी थी, मतलब छोटी सी बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा मतलब, लेकिन दिखने में काफी बड़ी ही लगती है। हाँ? समझ में नहीं आ रहा उसे क्या नाम दूँ। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, आपका पेट बिल्ला है या बिल्ली है? हाँ बिल्ला है।
उसे कल्लू राम बुलाओ या फिर ब्लैक ही बुलाओ। तो फिर उसका नाम होना चाहिए कल्लू राम। यस कल्लू राम, चल यहाँ से कल्लू राम, रॉक शॉक हो जाए। जरा एक मिनट रुको, फोन कहाँ पर है? यहाँ पे है। थैंक यू बेटा। हेलो, और आपका स्वागत है ज्ञानी आंटी के फ्री हॉटलाइन में। आप ज्ञानी आंटी से क्या सवाल पूछना चाहेंगे? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। चलो कल्लू राम, जाग जा, सुबह हो गई। ब्लैकी, ओ ब्लैकी। कल्लू राम। ब्लैकी। बस करो। अब बस बहुत हुआ हेनरी, आज फैसला हो ही जाए। ये क्या है? ये एक वोटिंग बॉक्स है, तुम इसमें अपने वोट्स डाल सकते हो अगर कोई मिले तो। मान ले हेनरी, इन सब चीजों में पीटर तुझसे बेहतर है। नहीं ये नहीं है, वो बस मुझसे ज्यादा क्यूट है इसलिए लोग फंस जाते हैं। अच्छा सुन, अगर मैंने तेरे लिए वोट किया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये तो चीटिंग है राल्फ, और मैं चीटिंग नहीं कर सकता। नहीं चीटिंग नहीं है, सोच तेरी ट्रॉफी मुझे जमीन पर पड़ी मिल गई और तू मुझसे कहे जा रख ले, और फिर बस बाय चांस मैं तेरे लिए वोट कर दूंगा जब तू वोट मांगने आएगा। ऐसी बात है, मतलब अगर मैं फिर मैं पक्का पैसा वसूल। बस ऐसे ही दिमाग चलाया करो। तो हम तेरे लिए वोट क्यों करें हेनरी? हाँ तुम्हारे लिए क्यों वोट करें? देखो किसी के चॉकलेट्स गिरे हैं। अरे वाह, मेरे लिए 3 और मेरे लिए 1। तो क्या मैं आप दोनों का वोट पक्का समझूं? बाद में मिलते हैं हेनरी। हाँ बाद में मिलते हैं हेनरी, या फिर शायद कभी नहीं। हम गिनना शुरू कर रहे हैं। वाह क्या बात है। हेनरी तू जीत रहा है। यस। पीटर तुम जीत रहे हो। यस। लगता है टाई होगा। ए मार्गरेट, मार्गरेट तूने मुझसे कुछ कहा कल्लू राम? अपना हिसाब बराबर नहीं हुआ। अच्छा कौन सा हिसाब? ओह देख मार्गरेट, टॉफीज की बारिश हो रही है। याद आया मार्गरेट? आओ कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं, तेरे लिए वोट करना भूल ही गई। ये ले तेरे वोट्स। तू हारेगा कीड़े। अरे पीटर तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मिस ऑर्नबोर्ड क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ जरूर बेटा पूछो। तो आपको कौन सा नाम ज्यादा अच्छा लगता है, ब्लैकी या कल्लू राम? और अब ये 47, 48, 49 कल्लू राम के लिए। यस। कीड़े को कितने वोट्स मिले? तो 45, 46, 47 और ये 48 है ब्लैकी के लिए। ब्लैकी, ब्लैकी। मैंने कहा फिर से काउंट करो। कल्लू राम। ब्लैकी। कल्लू राम। ओह तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। ये मटर जितने दिमाग वाली किसे बात कर रही हो? हाँ तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं, बिना भेजे के बंदर।
मेरा कल्लू राम, मेरा कल्लू राम यहाँ कैसे आया? ये कल्लू नहीं, ये लाली है। मेरा ब्लैकी। नहीं, ये लाली है और ये हमारे साथ रहती है। पर मैं कुछ समझा नहीं। कौन सी भाषा में समझाओ तुम मच्छरों को? क्या ब्लैकी एक लड़की है? जी, कल्लू राम लड़की है। इसमें हंसने वाली बात क्या है? अब सवाल ये है कि हम इन सब को क्या नाम देंगे, बताओ बेटा। नहीं।